सबको बिग बॉस के घर के अंदर भेजने वाले करण जौहर साहब से जब पूछा जाता है कि करण भैया ये बताओ कि आप कभी बिग बॉस का पार्ट बनोगे कि नहीं, तो करण भैया ने दे दिया कुछ ऐसा जवाब। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं करण भैया की आखिरकार करण भैया क्या कह गए और करण भैया का क्या रिएक्शन है। करण जौहर इस बार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाले बिग बॉस जो कि 8 तारीख से शुरू होने वाला है उसके ही होस्ट है दोस्तों। और करण जौहर के नाम के साथ ही कॉन्ट्रोवर्सीज फिर से शुरू हो गई, जहां लोगों ने एक तरफ बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ करण भैया के लोग स्वागत भी कर रहे हैं कि ये जरूर कुछ ना कुछ मसाला निकाल के लाएंगे। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करण जौहर जो है उनसे पूछा जाता है कि अरे करण भैया, एक मीडिया हाउस पूछता है कि आपको अगर 6 हफ्तों के लिए बिग बॉस ओटीटी में एज अ कंटेंडर मौका मिले तो आप क्या कहेंगे, आप क्या जाएंगे या नहीं। इस पर करण भैया कहते हैं कि 6 वीक्स इनसाइड द हाउस क्वेश्चन मार्क करते हैं, आई कांट स्टे विदाउट माय फोन फॉर इवन एन आवर, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी थिंग्स आई विल मिस आउट ऑन इन जस्ट 1 आवर, ओ माय गॉश आई डोंट इवन वांट टू गेट स्टार्टेड। तो यहां पर दोस्तों करण जौहर साफ तौर पे बोल देते हैं कि भैया मेरे को एक घंटा भी अपने फोन के बिना नहीं रहा जाता और आप मुझे कह रहे हैं कि आप 6 हफ्ते के लिए घर के अंदर बिताएंगे, तौबा मेरी तौबा। करण जौहर की बात करें दोस्तों तो हम सबको पता है कि करण जौहर हॉट एंड ज्यूसी गॉसिप लेकर आते हैं बॉलीवुड की, और वो अक्सर अपने शो जो उनका शो ओरिजिनल है यानी कॉफी विद करण, उसके लिए हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, जहां पे वो डर्टी सीक्रेट्स भी निकालते हैं बॉलीवुड के सेलिब्स के। सो अब ऐसे में करण जौहर ने खुद के अंदर जाने पर ये बड़ी बात कह दी है। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताइएगा, और बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे फीफा फूज, और मुझे आप लोग इजाजत दीजिए, बाय।